विधानसभा चुनावों में अभीष्ट में है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के निवास स्थान समीरपुर की गलियों में उनसे मिलने वाले और कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल होने वालों की लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। कार्यकर्ता दिन रात की परवाह किए बगैर लगातार उनके निवास स्थान पर पहुंच रहे हैं। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की 3 पंचायतों पंचायत पनो थाना दड़मेणा और पंचायत चलो के करीब 3 दर्जन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता आशीष महाजन की अगुवाई में पूर्व मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी मर्जी से भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। पूर्व मुख्यमंत्री ने सभी लोगों को पार्टी का पटका पहनाकर भाजपा में शामिल किया। शामिल होने वाले सभी लोगों को भाजपा में शामिल होने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में आप सभी लोगों को कार्यकर्ताओं का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी विकास और रोजगार को लेकर कृत संकल्प है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की ऐसी सबसे बड़ी पार्टी है जिसके लिए अभी 18 करोड़ से ज्यादा सदस्य बन चुके हैं। कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वालों कांग्रेस पार्टी के पंचायत पनो के बूथ अध्यक्ष प्रीतम सिंह और इसी पार्टी के यूथ कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार उर्फ बग्गू भी विधायक राजेंद्र राणा और कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। इसके साथ साथ इसी पंचायत के रवि कुमार, कृष्ण कुमार, धर्म सिंह, टेकचंद, सुभाष चंद्र, फितू राम, सुरजीत सिंह, सुरेश कुमार, दिलजीत सिंह, प्रवीण कुमारी पंचायत चलो से पूजा देवी, मीरा देवी, विद्या देवी, अशोक कुमार, सुमन कुमारी सहित दर्जनों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। शामिल हुए कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में कहा कि कांग्रेस पार्टी और विशेष रूप से विधायक राणा लगातार पार्टी के कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रहे हैं। विगत चुनावों में उन्होंने राणा को जितवाकर बहुत बड़ी गलती की थी, जिसका वे खामियाजा आज तक भुगत रहे हैं। वे अब भारतीय जनता पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के सानिध्य में भाजपा में शामिल हो गए हैं। पार्टी द्वारा उन्हें जो भी कार्य दिया जाएगा वे उसका बेखूबी निर्वहन करेंगे। इस मौके पर सुजानपुर भाजपा मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र ठाकुर भी उपस्थित रहे। शामिल हुए लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री से आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने का आग्रह किया।